हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक आईडी बिना अपडेट के, बिना वीपीएन के कैसे एकदम स्टाइलिश बनाएं। और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी नॉर्मल सी आईडी है। तो सिंपली अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए दिखा देता हूँ अपना सैम्पल, जो मेरा सैम्पल है। इस वीडियो में मैं बिना अपडेट के, बिना वीपीएन के एकदम यूनिक आईडी बना के दिखाने वाला हूँ, एकदम स्टाइलिश। तो ऊपर वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे क्यून वाला मेरा नाम है और ये पठान वाला जो है मेरा सैम्पल है। और उसके बाद लास्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे ये एक्स लगा देना है। तो सिंपली अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर वाला सैम्पल कॉपी कर लेना, नाम वाला। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम वाला सैम्पल जो है कॉपी कर लिया गाइस। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको अपने फेसबुक लाइट में आ जाना है। फेसबुक लाइट में आने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नाम वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका ओल्ड नाम है उसको रिमूव कर देना आप, जो भी ओल्ड नाम है उसको रिमूव कर देना। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो मैंने अभी क्यून वाला नाम कॉपी किया है, सिंपली उसको फर्स्ट बॉक्स में आपको पेस्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना नाम जो है वो पेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से आप सेम ऐसे नाम कॉपी कर लेना। उसके बाद दूसरे बॉक्स में यहाँ पे मिडिल नेम में आपको ये पठान वाला जो है सैम्पल डाल देना है। तो ये पठान वाला जो सैम्पल है वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। तो गाइज इसको मैंने यहाँ पे जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आ जाना है अपने फेसबुक लाइट पे। फेसबुक लाइट पे आने के बाद आपको मिडिल नेम में इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद रह गया आपका लास्ट नेम। तो लास्ट नेम में आपको यहाँ से ये एक्स कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको कॉपी कर लेना, और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपली फेसबुक लाइट में आने के बाद लास्ट बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना लास्ट नेम में। तो मैंने यहाँ पे क्यून नाम बनाया है। तो आप जिस मर्जी आप बना सकते हो, जिस नाम से आप चाहो क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने तो ये एग्जांपल के तौर पे आपको बना के दिखाया है, क्योंकि अब मेरी आईडी जो एकदम स्टाइलिश होने वाली है कुछ ही सेकेंड में। तो गाइस यहाँ पर आपको कर देना है रिव्यू चेंज पर क्लिक। तो जैसे ही आप रिव्यू चेंज पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी आईडी है वो, मेरा जो सैम्पल है वो एकदम एक्सेप्ट हो चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर वाला मेरे को ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, और आपको जैसा मर्जी आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो मैंने तो ऊपर वाला ही सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाल देना है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी का पासवर्ड डाल देता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी आईडी का पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव चेंज पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो मेरा सैम्पल है वो जस्ट नाउ पे एक्सेप्ट हो गया है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई भी फेक नहीं है इसमें। तो गाइस यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो मेरी जो आईडी है वो एकदम स्टाइलिश हो चुकी है, बिना अपडेट के, बिना वीपीएन के मैंने लाइव करके दिखाया है आपको। इस तरीके से आप अपने अकाउंट को वीआईपी बना सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो। और ये क्यून जो मैंने लगाया है इसकी जगह तो आप अपना कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकते हो, जो आप मर्जी हो आपकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो प्रोफाइल है वो एकदम यूनिक लग रही है गाइस। इस तरीके से आप एकदम यूनिक प्रोफाइल बना सकते हो।